ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ପ୍ରାୟୋଜକ ହେଉଛନ୍ତି ଫ୍ୟାସନ୍ କିଙ୍ଗ୍ ଦ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଗାର୍ମେଣ୍ଟ ସପ୍ ରଜାନଗର ଛକ ମେନ୍ ରୋଡ୍ ଜୟପୁର। ये आने वाले पांच वर्षों में नए ओडिशा और नए भारत के निर्माण का चुनाव है। साथियों, ओडिशा मजबूत तब बनेगा जब यहां का आदिवासी, यहां का किसान, यहां का नौजवान आगे बढ़ेगा। जब यहां राज्य में और केंद्र में दोनों ही जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, तब ये सपना पूरा होगा। जब सबका साथ सबका विकास होगा, तभी ओडिशा मजबूत होगा, पूर्वी भारत मजबूत होगा, पूरा भारत मजबूत होगा। साथियों, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप जवाब देंगे? मैं आपको सवाल करूं, आप जवाब देंगे? क्या चिटफंड में घोटाला करने वाले गरीबों की पाई पाई अपनी तिजोरी में भरने वाले ओडिशा को मजबूत बना पाएंगे, ओडिशा को मजबूती दे पाएंगे, ओडिशा का भला कर पाएंगे? क्या आदिवासियों की संपदा आपके संसाधनों पर कोरापुर रायगढ़ यहाँ के तमाम आदिवासी अंचलों में खनन माफिया को बढ़ावा देने वाले ऐसे लोग ओडिशा को मजबूत बना सकते हैं क्या? आपका उन पर रत्ती भर भी भरोसा है क्या? क्या जिनके राज्य में बेटियां सुरक्षित नहीं है, बेटियों पर अत्याचार करने वालों को सजा देने में जो नाकाम रहे हैं, ऐसे लोग ओडिशा को सुरक्षित और मजबूत बना पाएंगे क्या? माताओं बहनों को रक्षा दे पाएंगे क्या? गुनहगारों को सजा करवा पाएंगे क्या? मुझे आपका जवाब पता है, जो आप दे रहे हैं यही जवाब आएगा, ये मैं भली भांति जानता हूं, क्योंकि आपने ये दर्द झेला है, ये मुसीबत झेली है, ये आपके दिल की आवाज है। अब ये दिल की आवाज मतदान के दिन कमल के निशान पर बटन दबा करके निकलनी चाहिए, निकलेगी ना? साथियों, आपके काम पूरे होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, आप बताइए, कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? आपका चौकीदार करेगा कि नहीं करेगा? आपका चौकीदार कर सकता है कि नहीं कर सकता है? अगर हिंदुस्तान में कर सकता है, ओडिशा में क्यों नहीं कर सकता? भाइयों बहनों, एक बार मौका तो देके देखो। चौकीदार सजग अच्छी, मोभी चौकीदार, नानू सके चौकीदार, नानू चौकीदार में पैन कांची मांझा माने। साथियों, जब हम और आप चौकस होकर चौकीदारी करेंगे, तभी भ्रष्टाचारी और अत्याचारी डरेंगे। आपके इस काम के लिए, आपके इस अभियान के लिए आपका ये चौकीदार आपके साथ है। भाइयों बहनों, ओडिशा में प्रकृति ने कोई कमी नहीं छोड़ी, संपदा ही संपदा बिखेरी है। और जब मैं गुजरात में काम करता था, मैं हमेशा प्रार्थना करता था, हे भगवान जगन्नाथ,
जो उड़ीसा के पास है, अरे एक मुट्ठी पर मुझे दे दो, मैं गुजरात को कहां से कहां ले जाऊं, ऐसा मैं बोलता हूं। कितनी ताकत उड़ीसा के पास पड़ी है। यहां प्राचीन मंदिर है, सुंदर झरने हैं, घने जंगल है, विश्व प्रसिद्ध तालाब है, समुद्री तट है, पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं, युवाओं को यही रोजगार उपलब्ध कराने के अनेक अवसर है। उड़ीसा प्राकृतिक संपदा से अमीर है, लेकिन यहाँ के लोग और ये कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों की नाकामी का जीता जागता सबूत है। बीते 7 दशकों में जिन्होंने यहाँ सरकारें चलाई, उन्होंने उड़ीसा को गरीबी और भुखमरी के अलावा कुछ भी नहीं दिया। गरीबों और आदिवासियों के नाम पर योजनाएं बनती है, लेकिन बिचौलिए और दलाल उसका फायदा लूट लेते जाते हैं और असली लाभार्थी बेचारा सर पकड़ करके रोता रहता है। यही इनकी योजनाओं का हाल रहा है। स्वतंत्रता सेनानी शहीद लक्ष्मण नाइक के गांव में सुविधाओं का क्या हाल है? ये मुझसे ज्यादा आप अच्छी तरह जानते। संसाधनों से समृद्ध भारत का एक क्षेत्र विकास में बहुत पीछे रह गया। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर जो रवैया रहा है वो भी आप भली भांति जानते हैं। कोरापुट में तो ऐसी घटनाएं भी देश ने देखी है कि इलाज तो मिला नहीं, मृत्यु के बाद भी अपमानित होना पड़ता है। आपके चौकीदार ने इस हालत को बदलने का गंभीर प्रयास किया। हम देश भर की बड़ी पंचायतों में अस्पताल खोलने पर काम कर रहे हैं। देश भर में 1,50,000 वेलनेस सेंटर बनाए जा रहे हैं। गांव गांव में बच्चों और प्रसूता माताओं को टीके लगाने का काम जोरों पर चल रहा है। भाई और बहनों, सारे देश में हो रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से उड़ीसा के गरीब आदिवासी परिवारों को हमारे इन प्रयासों का लाभ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं। साथियों, आज दुनिया आयुष्मान भारत की चर्चा कर रही है। ये दुनिया भर में गरीबों को मुफ्त इलाज देने वाली दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। देश भर के लगभग 50 करोड़ गरीबों को इसके तहत हर वर्ष 5,00,000 रुपए तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित हुआ है। उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, देश भर के 17,00,000 गरीब मरीजों को इतने कम समय में इसका लाभ मिला है, इलाज हो चुका है। लेकिन 17,00,000 लोगों में भी मेरे उड़ीसा का एक भी गरीब नहीं है, एक भी मरीज नहीं है। आपको लगेगा मोदी ने अन्याय किया, जी नहीं, ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे यहाँ की सरकार जिम्मेवार। इस योजना के शुरू होने के पहले से मैं यहाँ की सरकार को आग्रह कर रहा हूँ
प्रार्थना कर रहा हूं कि आयुष्मान योजना से जुड़ जाएंगे, लेकिन पता नहीं उनको आपकी परवाह नहीं है कि उनका कुछ और गणित है, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं, इस योजना से जुड़ ही नहीं रहे। साथियों, अगर ओडिशा की सरकार इसमें शामिल हो जाती तो सिर्फ ओडिशा ही नहीं बल्कि देश के किसी दूसरे राज्य के अस्पतालों में भी यहाँ के मेरे गरीब साथी को मुफ्त इलाज मिल जाए। मान लीजिए ओडिशा का कोई नागरिक दिल्ली गया, वहां काम कर रहा है, वहां बीमार हो गया, तो अगर आयुष्मान योजना है तो उसको वहां की बड़े बड़े अस्पतालें भी उसकी सेवा करें। अगर वो सूरत में गया है और सूरत में नौकरी कर रहा है, वहां कुछ हो गया, हार्ट अटैक आ गया, तो वहां पर आयुष्मान योजना होगी तो लाभ मिलेगा। अगर कोलकाता गया है, वहां काम कर रहा है, आयुष्मान की योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन ये यहाँ की सरकार समझने को ही तैयार नहीं है, क्योंकि गरीबों के प्रति उसे संवेदना नहीं है। गरीब कैसे जी रहा है वो कभी घर के बाहर जाकर के इस सरकार को देखने की फुर्सत नहीं है। भाई साथियों, जो खेल इन्होंने आपके स्वास्थ्य के साथ किया, वही खेल किसानों के साथ भी कर रहे हैं। देश के जिन 12 करोड़ किसान परिवारों को हम सीधी मदद बैंक खाते में दे रहे हैं, हर वर्ष 75,000 करोड़ रुपए बैंक खाते में 12 करोड़ किसान परिवारों को पहुंचने वाले हैं। उनमें से एक भी उड़ीसा का किसान नहीं है। देश के किसानों को लाभ मिल रहा है, लेकिन उड़ीसा के किसानों के सामने यहाँ की सरकार राजनीतिक कारणों से दीवार बन के खड़ी हो गई। क्योंकि यहाँ की सरकार ने जो किसान लाभार्थी है उनकी सूची भी देने की उनको फुर्सत नहीं। इतना ही नहीं, खुद जो किसानों की मदद का वादा किया था उस योजना का हाल क्या है ये आप सभी देख ही रहे हैं। हाल में मीडिया में आया था कि किसानों के नाम पर यहाँ फर्जी लोगों को मदद देने का एक बहुत बड़ा सिलसिला चल पड़ा है। ये खेल अब बंद होने का समय आ गया है। साथियों, यहाँ की सरकार कैसे काम कर रही है इसका एक और उदाहरण आपको मैं देना चाहता हूँ। आपके इस चौकीदार ने आदिवासी क्षेत्रों के लिए एक और नई व्यवस्था की शुरुआत की। यहां से जो खनिज निकलता है उसका एक हिस्सा यहां ही विकास में लगाना सुनिश्चित किया है। आप यहां से सब ले जाओ, ये मोदी के राज में नहीं चलेगा। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड में उसके कारण उड़ीसा को लगभग 6,500 करोड़ रुपए, 6,500 करोड़ छोटे आंक नहीं है, लेकिन यहाँ की सरकार ने 6,500 करोड़ में से गरीब आदिवासियों की भलाई के लिए सिर्फ 1,000 करोड़ रुपया खर्च किया। 5,500 करोड़ रुपए ऐसे ही सब रहे। मैं फिर आपसे पूछूंगा, क्या ऐसी सरकार जो आपके पैसों को तिजोरी में बंद करके बैठ गई है, ऐसी सरकार को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? पूरी ताकत से बताओ, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? भगाना चाहिए कि नहीं भगाना चाहिए? हराना चाहिए कि नहीं हराना चाहिए? क्या ओडिशा में परिवर्तन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब उन्हें विदा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? साथियों, मैं मानता हूं कि ओडिशा की वर्तमान सरकार ने आपके हितों की परवाह की होती, आपके जीवन को आसान बनाने को प्राथमिकता दी होती,
तो विकास के और ज्यादा कार्य यहां हुए हो। जिस तरह आज एनडीए के नेतृत्व वाली सरकारों में उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उत्तर प्रदेश के राज्य में, अनेक राज्यों में अनेक कार्य हो रहे हैं, तेज गति से हो रहे हैं, जनता की भलाई के लिए हो रहे हैं, वो सारे कार्य तेज गति से यहां भी होते अगर उड़ीसा में भाजपा की सरकार हो। मुझे विश्वास है इस बार विधानसभा के चुनाव में आप इस कमी को पूरा करेंगे। साथियों, यहां जो लोग सरकार में बैठे हैं उन्होंने जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड मान लिया। उनको तो लगता है जनता हमारी जेब में है। जब तक उनको झटका नहीं देंगे ना, ये लोग सुधरने वाले नहीं है, मानने वाले नहीं है। इसलिए मैं आपको फिर याद दिला दूं, उड़ीसा के लोगों को इस बार केंद्र और राज्य में विकास का डबल इंजन लगाने वाली सरकार को वोट देना। भाजपा सरकारों का डबल इंजन उड़ीसा को और तेजी से आगे ले जाएगा और इससे देश भी आगे बढ़ेगा। भगवान जगन्नाथ और आपका आशीर्वाद मुझ पर और मेरे साथियों पर बना रहे। इसी कामना के साथ मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, मेरे साथ बोले जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।